अहमदनगर जिले के पाथरड़ी तालुका क्षेत्र में तीन आरोपियों ने वाहन चालक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वाहन चालक घायल हो गया। इसी दौरान आरोपियों ने घायल वाहन चालक के चार पहिया वाहन सहित 6 लाख रुपए नकदी लूट ली। वहीं इस मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। दिनांक 12 जनवरी को एक जो पुणा स्थित की ईसा नायक, वो जो ड्राइविंग का काम करते हैं ट्रैवल का, वो ट्रैवल करते हुए औरंगाबाद गए थे। औरंगाबाद से उन्होंने एजेंट थ्रू तीन जो आदमी थे उनको लिया था। वो वहाँ से औरंगाबाद से पुणा जाना चाहते थे, तो उस तरीके से जब गाड़ी आगे निकली तो आगे आने के बाद में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में इन तीनों लोगों ने उस गाड़ी वाले को पाथरड़ी की दिशा में लेके गए और जो न्यूडुम में जो गांव है वहाँ पे जाने के बाद में उनको चाकू से उनके ऊपर वार करके जो उनके घड़ी, मोबाइल और गाड़ी, ये सब लगभग 6.5 लाख का एवज लेके उन्होंने वहाँ से फरार हो गए थे।